अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट एंड लिसनर्स, आज का जो टॉपिक है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ट्राइवेलेंस के। ट्राइवेलेंस से क्या मुराद है, इसका डिफिनेशन किस तरह है और हम ट्राइवेलेंस किस तरह बनाते हैं, तो आज का जो लेक्चर है वो इसके बारे में है। तो आपको पता है कि जो अकाउंटिंग साइकिल है, अकाउंटिंग साइकिल में हमारे पास यानी मुख्तलिफ जो स्टेजेस है, मुख्तलिफ जो फेजेस है, यानी अकाउंटिंग साइकिल जब हम बनाते हैं तो इसमें हम जो हमारे पास जो अकाउंटिंग साइकिल है यानी अकाउंटिंग साइकिल, अब इसमें मुख्तलिफ फेजेस है या स्टेजेस है, मुख्तलिफ फेजेस है या स्टेजेस है। तो इस फेजेस में से हमारे पास जो फर्स्ट वन है काउंटिंग साइकिल में, वो हमारे पास है फर्स्ट वन जर्नल। इसके बाद जो सेकंड है, इसके बाद हम बनाते हैं लेजर अकाउंट, लेजर अकाउंट बनाते हैं। और जो थर्ड वन है वो हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस। तो आज का जो लेक्चर है वो ट्राइबैलेंस के हवाले से है कि ट्राइबैलेंस से क्या मुराद है और हम इसको किस तरह बनाएंगे। तो अब देखिए ट्राइबैलेंस क्या कहता है। ए बुक, वो किताब, विच शो, जो शो करता है, जो ये बताता है दी एरिथमेटिकल एक्यूरेसी यानी हिसाबी दुरुस्तगी यानी एरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ ऑल दी पोस्टेड एंट्रीज, जो हमने एंट्रीज पोस्ट किए हैं यानी कहां पर, इन दी लेजर अकाउंट, जो लेजर अकाउंट में हमने एंट्रीज पोस्ट किए हैं यानी जहां से यानी जर्नल से हम एंट्रीज ट्रांसफर करते हैं, पोस्ट करते हैं इनटू लेजर अकाउंट। अब ये जो लेजर अकाउंट में हमने एंट्रीज पोस्ट किए हैं ये ठीक है या गलत है, इसकी एरिथमेटिक एक्यूरेसी, एरिथमेटिकल एक्यूरेसी हम किस तरह चेक करेंगे, इसके लिए हम एक यानी थर्ड बुक बनाएंगे और क्या है वो ट्राइबैलेंस है। तो ट्राइबैलेंस से हमको पता चलता है कि ये जो एंट्रीज है जो हमने लेजर अकाउंट में रिकॉर्ड किए हैं, पोस्ट किए हैं, ये ठीक है या गलत है। इसके साथ साथ जो हमारे पास यानी अकाउंटिंग में हमारे पास एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो कहता है डुअल एस्पेक्ट। तो डुअल एस्पेक्ट का क्या मतलब है, यानी ये कहता है ऑल डेबिट्स मस्ट हैव देयर कॉरिस्पॉन्डिंग क्रेडिट, यानी जो हमारे पास जो डेबिट होते हैं, जो डेबिट अमाउंट होता है बिल्कुल क्रेडिट अमाउंट भी यानी उतना होता है। तो अब ये यानी ये हमको किस तरह पता चलता है कि जो डेबिट है और जो क्रेडिट है ये आपस में बराबर है, यानी ये कहता है डुअल एस्पेक्ट के ऑल डेबिट्स आर इक्वल टू ऑल क्रेडिट्स, ऑल डेबिट्स आर इक्वल टू ऑल क्रेडिट्स। तो आपको पता है कि जर्नल में जो हम रिकॉर्ड करते हैं तो वो क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड करते हैं यानी डेट वाइज, जर्नल में जो हम रिकॉर्ड करते हैं तो वो हम क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड करते हैं, क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड हम करते हैं। फिर जब हम लेजर्स बनाते हैं यानी जब हम लेजर अकाउंट हम बनाते हैं तो इसमें हम क्लासिफाइड रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाइड रिकॉर्ड यानी हर क्लास के लिए हम अलहदा अलहदा बुक ओपन करते हैं। अब ये जो जर्नल है ये लेजर है, यानी जो हम लेजर में क्लासिफाइड रिकॉर्ड करते हैं, जो पोस्टिंग करते हैं, जो एंट्रीज पोस्ट करते हैं, जो एंट्रीज हम पोस्ट करते हैं कहां पर यानी लेजर अकाउंट में, अब ये एंट्री यानी ये ट्रू है या फॉल्स है, यानी जो हमने जो रिकॉर्ड किया है, जो एंट्रीज हमने यानी पोस्ट किए हैं ये सारी सही तरीके से हमने किया है यानी पोस्ट किए हैं सही तरीके से है या रॉन्ग या गलत तरीके से हमने पोस्ट किए हैं। तो हमको किस तरह पता चलेगा कि लेजर अकाउंट में जो हमने रिकॉर्ड किया है ये रिकॉर्ड ठीक है या गलत है, तो इस यानी ये साबित करने के लिए यानी टू प्रूव यानी प्रूव टू प्रूव कि जो हमारा जो रिकॉर्ड है ये ट्रू है, ट्रू है, तो इस मकसद के लिए हम क्या बनाएंगे,
हम एक थर्ड बुक बनेंगे और उसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं यानी ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस या जब हम लेजर अकाउंट बनाते हैं फिर लेजर अकाउंट में यानी हम एंट्रीज पोस्ट करते हैं। अब जो पोस्टेड एंट्रीज है ये हम चेक करते हैं कि आया ये ठीक है या गलत है। तो इसको साबित करने के लिए हम थर्ड बुक बनाते हैं और इस किताब को कहते हैं ट्रायल बैलेंस। जिस तरह हम जर्नल में क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड करते हैं, लेजर अकाउंट में हम क्लासिफाइड रिकॉर्ड करते हैं, फिर हम ये क्रोनोलॉजिकल ये जो क्लासिफाइड रिकॉर्ड है ये ठीक हमने रिकॉर्ड किया है या गलत हमने रिकॉर्ड किया है, तो इसको हम चेक करते हैं। कहाँ पे चेक करते हैं, जो हमारे पास जो थर्ड बुक है यानी इसमें हम चेक करते हैं। इसमें यानी हमको पता चलता है कि जो टोटल जो डेबिट है, जो टोटल डेबिट है ये बराबर है टोटल क्रेडिट के या टोटल जो डेबिट है ये बराबर नहीं है क्रेडिट के। तो हमको क्या पता चलता है यानी इससे ट्रायल बैलेंस से हमको पता चलता है कि टोटल डेबिट बराबर है या टोटल क्रेडिट बराबर नहीं है, यानी डेबिट क्रेडिट बराबर नहीं है। अगर है फिर ठीक है, अगर नहीं है तो इसका क्या मतलब है कि हमने यानी पोस्टेड में लेजर अकाउंट में या जर्नल में क्या है हमने कहीं पे गलती की है। तो ये तो क्या है, ये ट्रायल बैलेंस है। इसका जो फॉर्मेट है यानी जो ट्रायल बैलेंस है इसका जो फॉर्मेट है वो किस तरह है, इसका फॉर्मेट ये है। देखें कि ये यानी फॉर्मेट इस तरह है कि ये हेडिंग है डीएमके इलेक्ट्रिक शॉप, ये बिजनेस का नेम है ट्रायल बैलेंस और एज ऑन जनवरी 31st 2022, यानी जिस तारीख पे हम बनाते हैं तो वो तारीख भी हम क्या करते हैं यानी रिकॉर्ड करते हैं ऊपर। अब इसका जो फॉर्मेट है यानी ये टेबल है, इसमें 5 कॉलम होते हैं। सीरियल नंबर है, ये सीरियल नंबर का कॉलम है। डिस्क्रिप्शन है यानी जिस हेड के लिए हम बनाते हैं, जिस हेड एक हेड्स ऑफ अकाउंट के लिए हम बनाते हैं तो वो हेड ऑफ अकाउंट यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। पोस्ट रेफरेंस है यानी जो लेजर अकाउंट के जो पेज नंबर है वो हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। और फिर डेबिट, जो डेबिट अमाउंट होता है और जो क्रेडिट अमाउंट होता है। तो अब देखें हम एक हमने जो प्रीवियस जो एग्जाम्पल हल किया था कि हम इसको किस तरह यानी जो लेजर अकाउंट है हम किस तरह एंट्रीज को लाते हैं और यहाँ ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड करते हैं, तो ये इंतहाई आसान है। इसको साइड पे रखते हैं। हमारे पास आप देखें ये लेजर अकाउंट है, ये कैश का क्या है, कैश का लेजर अकाउंट है। तो ये एक एग्जांपल है। तो यहां पर है बैलेंस कैरीड डाउन 20,000 और बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्या है बैलेंस यानी ये ब्रॉट डाउन है। तो अब ये जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है, बैलेंस ब्रॉट डाउन है किस साइड पे है यानी ये 20,000, ये 20,000 ये हम देखेंगे बैलेंस बीडी को देखेंगे, क्या करेंगे बैलेंस बीडी को हम देखेंगे। ये बैलेंस बीडी किस साइड पर है, ये बैलेंस बीडी डेबिट साइड पर है, क्या है ये कैश का लेजर अकाउंट है और ये जो बैलेंस बीडी है ये किस साइड पर है, ये डेबिट साइड पर है। अब ये जो डेबिट साइड पे है तो यहां पर हम रिकॉर्ड करते हैं। आप देखें यानी सीरियल नंबर 1 ये हमारे पास, आप देखें ये फर्स्ट यानी इसको हमने सीरियल नंबर 1 दे दिया। हमारे पास जो कैश है कैश, तो अब कैश का जो बीडी है यानी ये कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट इसका जो बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है 20,000। अब ये 20,000 किस साइड पे है, ये डेबिट साइड पर है। तो ये 20,000 हम रिकॉर्ड करते हैं किस साइड पे यानी ये डेबिट साइड पे हम रिकॉर्ड करते हैं। इस तरह 20,000 यहां पर कैश अकाउंट यानी ये ट्रायल बैलेंस में यानी कैश का जो लेजर अकाउंट है ये हमने यानी यहां पे रिकॉर्ड कंप्लीट कर लिया। इसके बाद जो सेकंड है कैपिटल अकाउंट, ये क्या है, ये सेकंड वन है कैपिटल अकाउंट। तो आप देखें जो कैपिटल अकाउंट है इसका बीडी कहां पर है, इसका जो बीडी है यानी बैलेंस ब्रॉट डाउन ये किस साइड पे है, ये क्रेडिट साइड पे है और ये कितना है, ये 50,000 है।
कितना है, ये 50,000 है। तो मतलब यह है कि कैपिटल का जो लेजर अकाउंट है, इसका जो बीडी है, जो बैलेंस ब्रॉड डाउन है, यानी जो साइड ज्यादा है, तो ये हम फर्स्ट करते हैं कि ये सेकंड नंबर पे है। ये क्या है, ये कैपिटल है। अब ये जो बीडी यानी कहां पर है, 50,000, ये यानी क्रेडिट साइड पे है, 50,000 यानी क्रेडिट साइड पे है, यानी कैश के लिए भी हमने रिकॉर्ड कर लिया, कैश अकाउंट के लिए। इसके बाद कैपिटल के लिए भी हमने रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद हम फर्क करते हैं कि हमारे पास जो तीसरा अकाउंट है, ये क्या है, ये परचेजिस के लिए है। क्या है, परचेजिस के लिए। तो अब परचेजिस का जो बैलेंस बीडी है, क्या ये बैलेंस बीडी क्या है, यानी यहां पर है, ये डेबिट साइड पर है। बैलेंस बीडी कहां पर है, डेबिट साइड पर। कितना है, 19,000। तो इसको सीरियल नंबर यानी 3 देते हैं। अब ये क्या है, ये परचेजिस है, ये हमारे पास परचेजिस है। और ये जो यानी देखे आप, ये 19,000 कहां पर है, ये डेबिट साइड पर है। बैलेंस बीडी क्या है, यानी ये 19,000 डेबिट साइड पे है, 19,000 ये हो गया। इसके बाद है जो रेंट एक्सपेंस है, यानी जो फोर्थ जो हमारे पास जो लेजर अकाउंट है, ये रेंट एक्सपेंस अकाउंट है। और रेंट एक्सपेंस अकाउंट का जो बैलेंस बीडी है, क्या है, बैलेंस बीडी, ये किस साइड पर है, ये साइड पर है, यानी ये डेबिट साइड पर है। कितना है अमाउंट, यानी 11,000, ये 11,000 है, डेबिट साइड पर है। अब ये भी आसान है, ये 4 है, तो क्या है, रेंट एक्सपेंस। यहाँ पर हम रिकॉर्ड करते हैं, यानी जो नेम है हेड ऑफ अकाउंट का, तो रेंट एक्सपेंस है, ये कितना है, ये 11,000 है, 11,000। अब हमारे पास यानी जो टोटल जो लेजर अकाउंट है, जिसके बैलेंस बीडी थे, या डेबिट साइड ज्यादा था या क्रेडिट साइड ज्यादा था, वो 4 थे। अब यानी इसके जो रेफरेंस नंबर थे, पोस्ट रेफरेंस नंबर, इसका 001 है, इसका 002 है, इसका 003 है, और इसका 00 क्या है, ये 4 है। अब देखे यानी टोटल करें 20,000 और 19,000, 39,000 और 11,000, कितना बनता है, यानी ये 50,000 बनता है। ये कितना बनता है, यानी ये टोटल जो डेबिट साइड आ गया, ये कितना आ गया, 50,000। और टोटल जो क्रेडिट साइड आ गया, ये क्या है, ये भी 50,000 है। तो इसको कहते हैं एरिथमेटिकल एक्यूरेसी। इसको क्या कहते हैं, यानी एरिथमेटिकल एक्यूरेसी, यानी जो हमने जो डेबिट रिकॉर्ड किया है, जो हमने डेबिट रिकॉर्ड किया है, वो बराबर है जो हमने क्रेडिट रिकॉर्ड किया है। डेबिट रिकॉर्ड हमारे पास कितना है, यानी ये 50,000 है, और जो क्रेडिट जो रिकॉर्ड है, ये भी हमारे पास, ये भी कितना है, ये भी 50,000 है। तो ये तो एक एग्जांपल था, यानी आज तो ये इंट्रोडक्टरी क्लास था कि हम यानी किस तरह बनाएंगे जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम यानी नेक्स्ट क्वेश्चन में हम ट्राई बैलेंस यानी प्रैक्टिकली बनाएंगे। थैंक यू।